नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी उत्तराखंड चमोली त्रासदी का तीसरा दिन। जिला खीरी के लापता मजदूरों के घर वालों की टूटने लगी आस, कई गांवों में हाहाकार। उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही के आज तीसरे दिन भी वहां मजदूरी कर रहे तहसील निघासन के ग्राम भेडूरी, बाबूपुरवा, कड़िया, भेरमपुर, इच्छानगर, तिकोनिया के करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों का अब तक पता नहीं चल पाने से अब लापता मजदूर युवकों के परिवारों को अपनों से वापस मिल पाने की आस टूटने लगी है। गांव में पिछले 3 दिनों से चूल्हा तक नहीं जल रहा। चारों तरफ लापता मजदूरों के परिवारों की महिलाओं, बच्चों के रोने की आवाजें कलेजा चीर रही हैं। वहीं गांव के पुरुष मोबाइल हाथ में लिए अपनों की खैर खबर पाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कल जिलाधिकारी खीरी व पुलिस अधीक्षक खीरी ने आपदा पीड़ितों के घर जाकर मदद का भरोसा दिलाते हुए सभी लापता मजदूरों की लिस्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजने की बात कही थी, ताकि सभी लापता मजदूरों का शीघ्र पता लगा जा सके। आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धनीराम मौर्या ने भी भैरमपुर, इच्छानगर, बाबूपुर व आदि गांव में जाकर सभी लापता मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लखीमपुर खीरी संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तपोवन कितने दिन हो गए यहाँ से? 1.5 महीना लमसम होगा। कितने वर्ष का लड़का होगा आपका? 18-19 साल के। अभी शादी नहीं हुई थी? तो यहाँ जी के, यहाँ के प्रधान जी का क्या नाम है? दुरु। तो वो नहीं आए थे क्या? आए थे। कब आए थे? अभी थोड़ा देर पहले। तो उन्होंने क्या बताया? मीडिया वाला और भी आए थे। अच्छा। तो यहाँ के प्रधान जी, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बेचारे सारे कुछ इंतजाम किया। अच्छा, इंतजाम किया है। उन्हें मैं गाड़ी भी भेजा है, यहाँ से आदमी भी भेजे है। आपके घर से कितने लोग गए हैं? एक लड़का हमारा कल। अच्छा, यहाँ गया है यहाँ से कल? कल एक खाली निकले ढूंढने के लिए। अच्छा, अच्छा। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? ये भड़ोई पंचायत। कौन प्रवाह है ये? बाबूपुरवा। आपका लड़का कितने साल का था? 25 साल। क्या नाम था उसका? अर्जुन। कब गया था ये? यही 1.5 महीना हुआ। कहाँ गया था? तपोवन गया था। यहाँ से कितने लोग गए थे सब? यहाँ से गए थे 6-7 लोग। 6-7 लोग गए थे। तो कुछ जानकारी हुई? कैसे जानकारी हुई आपको? सर जानकारी यहाँ से लड़का एक बचा है, उसने सबको बताया था या फोन किया था? क्या बताया उसने? उसने कहा सब लोग बंधा टूट गया है। अच्छा। और यहाँ के जो प्रधान जी आए थे? हाँ, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने सब किया है। आपके लड़के की शादी हो गई थी? नहीं, लड़के की शादी नहीं हुई थी। नहीं, तो जहाँ आपका लड़का काम कर रहा था, तो क्या वहाँ के मालिक ने आपके पास फोन किया, बताया किसी को? क्या आपने उस मालिक पास में संपर्क करने की कोशिश की? उसका नंबर नहीं है? तो आपने संपर्क क्यों नहीं किया उनसे? तो आपको बातचीत करना चाहिए था ना, कि मतलब कि जो जिसके पास हम लड़का तुम्हारा काम कर रहा है उससे सारी जानकारी लेनी चाहिए आपको। साथ में गए थे सबके साथ।